हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपका बैक टू बैक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि एमए की सोशियोलॉजी पर ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी, आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ एंड फिफ्थ सभी पेपर्स पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के एक बार चैनल पर विजिट कीजिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। एमए के सोशियोलॉजी के पेपर वन पर ऑलरेडी हमने तीन चैप्टर तक आपका वीडियो बना दिया है एंड आज हम बात करने वाले हैं पेपर वन के चैप्टर नंबर फोर के बारे में। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार जाकर के देखना, जिससे कि आपको पूरा सीरीज समझ में आ सके। ओके, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, एमए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर वन का चैप्टर नंबर फोर। पेपर वन का चैप्टर नंबर फोर है आपका सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। सामाजिक उद्विकास का स्पेंसर ने सिद्धांत दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत था और स्पेंसर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था। स्पेंसर इसके लिए बहुत काफ़ी रूप से जो है विख्यात हुए, लोगों ने इनको जानना स्टार्ट किया एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे स्पेंसर। अब स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत दिया वो अब उनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को वर्णन किया। उन्होंने बताया जैसे कि जैविक उद्विकास हुआ, जैविक उद्विकास डार्विन का सिद्धांत था ना, जैविक उद्विकास का सिद्धांत, तो उसी तरह से इन्होंने कहा कि समाज का भी उद्विकास हुआ है, जहां से सामाजिक उद्विकास नामक शब्द सामने आया कि जैसे जैसे जैविक उद्विकास हुआ है उसी तरह से सामाजिक उद्विकास भी हुआ है, यानी कि सरलता से जटिलता की तरफ, विषमताओं से समताओं से विषमताओं की तरफ। तो इस तरह से विशेषता, जिस तरह से जैविक समाज हुआ है कि जैविक उद्विकास हुआ है, वैसे ही सामाजिक उद्विकास की भी विशेषताएं रही हैं। एंड इसको उन्होंने कई सारे सिद्धांतों के माध्यम से प्रूव करने की कोशिश किया है कि जो जैविक उद्विकास है उसी तरह से सामाजिक उद्विकास भी हुआ। उसके लिए कौन कौन सा उन्होंने सिद्धांत दिया है, कौन कौन सी थ्योरीज दिया है, वो हमें समझना है। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा जैविक उद्विकास या सामाजिक उद्विकास के बारे में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पर इन्होंने सिद्धांत दिया जिसको नौ टॉपिक्स में हमने बांटा है, नाइन टॉपिक में, एंड एक एक को हम समझने वाले हैं कि इसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं स्पेंसर। ओके, तो स्पेंसर का पहला कथन है कि समाज के आकार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इन्होंने कहा जैसे जीवों का उद्विकास हुआ ना, पहले जीव आए, फिर धीरे धीरे उन जीवों से फर्टिलाइजर के माध्यम से धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे क्या हुई, संख्याएं बढ़ने लगी। उसी तरह से समाज भी क्या हुआ, विकसित हुआ, क्योंकि समाज जैसे लोगों से मिलकर के तो समाज बनता है। हमारे समाज में शुरुआत कुछ छोटे लोगों से, थोड़े से लोगों से हुई थी, कोई एक पर्सन पृथ्वी पर जन्म लिया, एक मैन एंड वोमेन, और वहां से धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, छोटे छोटे समूहों के रूप में बढ़ा और धीरे धीरे ये 10 गुना 20 गुना 100 गुना 1000 गुना इससे बढ़ते ही चले गए। तो इससे क्या समझ में आया कि सामाजिक उद्विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता गया और इसकी संख्या, इसका आकार बढ़ता गया। जैसे जैविक उद्विकास हुआ उसी तरह से समाज के आकार में निरंतर वृद्धि होती रही और निरंतर वृद्धि हो रही है। अभी 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड धीरे धीरे ये संख्या बढ़ ही रही है, वो संख्या कम नहीं हो पा रही है। तो क्या हो रहा है कि इसकी आकार में, सामाजिक उद्विकास के आकार में क्या हो रहा है, वृद्धि होती चली जा रही है जैसे जैविक उद्विकास में हुआ था। दूसरी चीज इन्होंने बताया है कि आकार में वृद्धि होने पर संरचना में भी वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि जब हो रही है, धीरे धीरे समाज बढ़ रहा है, तो इसकी संरचना में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो संरचना पहले सरल संरचना थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, सरल से जटिल की तरफ आ रही है संरचना, सरल से संयुक्त की तरफ आ रही है, संयुक्त से द्विगुणी संयुक्त की तरफ आ रहा है, द्विगुणी संयुक्त से त्रिगुणी संयुक्त जो है समाज की तरफ आ रहा है। इस तरह से समाज क्या हो रहा है, समाज की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। समाज जो पहले सरल रूप में रहा करता था वो समाज कॉम्प्लिकेटेड चीजों में आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड उसकी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, कॉम्प्लिकेटेड उसके सपने हो चुके हैं, उसके ड्रीम्स कॉम्प्लिकेटेड है, वो जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी के थॉट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह से क्या हुआ, केवल आकार ही नहीं बढ़ रहा है, आकार के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, उनकी संरचना, उनकी डिजाइनिंग, उनकी थिंकिंग, सारी चीजें क्या हो रही हैं, अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रहा है। ओके, थर्ड इन्होंने कहा कि सामाजिक उद्विकास की दिशा समरूपता से विषमरूपता की ओर हो रही है। सामाजिक उद्विकास की दिशा कह रहे हैं समरूपता से विषमरूपता की तरफ हो रही है। समरूपता मतलब जिसमें एक रूप दिखाई हो, और विषमरूपता मतलब अलग अलग रूप दिखाई देने लगे। जैसे कि शुरुआत में छोटा सा मान लिया कोई कबीला था, पूरी दुनिया में एक ही कबीला था, छोटा सा कबीला था, तो उनमें एक रूपता पाई जाती थी, उनके विचार, उनके थॉट्स, उनके समाज, उनमें एक रूपता पाई जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वो टूटने लगे और बिखरने लगे, फैलने लगे पूरी दुनिया में जब एग्जिस्टेंस हो गया। और आज दुनिया में इतने सारे समाज है, सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग उनके कल्चर है, अलग अलग तरीके से सब कुछ हो चुका है। तो इससे क्या हुआ कि जो एक रूप था जब छोटे में थे तो एक रूप थे, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, सामाजिक विकास होता गया, जैविक उद्विकास होता गया, उसी तरह से क्या हुआ, उनकी समरूपता विषम रूपता में बदलती चली गई, सरलता जटिलता में बदलता चला गया। तो इस तरह से यह चीज कहा इन्होंने।
फोर्थ है आपका सामाजिक उद्विकास अनेक आंतरिक और बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। जो सामाजिक उद्विकास है यह तमाम तरह के आंतरिक कार्यों की वजह से कारक बाह्य कारक, जैसे कि बाह्य कारकों में अगर बात करोगे तो हो गया आपकी जनसंख्या, हो गया आपकी वृद्धि, हो गया आपका मिट्टी, जलवायु, आसपास का एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें। आंतरिक कारकों में बात करेंगे तो ज्ञान हो गया आंतरिक कारकों में, विज्ञान हो गया, अध्यात्म हो गया, ये सभी चीज़ों के माध्यम से भी क्या हो समाज में ये अमूलचूल परिवर्तन लाते हैं। ये भी ज्ञान के अपने आप में एक माध्यम है कि ज्ञान इस तरह से बढ़ता है। नेक्स्ट थिंग आपका है फिफ्थ नंबर का कि सामाजिक उद्विकास एक बहुदिशात्मक होता है, यानी सामाजिक उद्विकास के जरूरी नहीं कि वो एक दिशा में उद्विकसित हो या एक दिशा में हो उसका विचार प्रसार हो। सामाजिक उद्विकास कभी कभी एक तरह से भी होता है, यानी कि कुछ लोग पार्ट में टूट करके एक जैसे क्षेत्र में जाते हैं, एक रेखीय क्षेत्रों में जाते हैं, या कभी कभी होता है अलग अलग पार्ट्स में टूटते हैं, वो भी अलग अलग पार्ट्स में टूटते चले जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कोई फिक्स नहीं है कि वो एक रेखीय ही जो समरूपता है वो बढ़ेगा, वो अलग अलग तरह से भी जा सकते हैं, तो बहुदिशात्मक भी हो सकता है सामाजिक उद्विकास। अगला है विभेदीकरण के कारण विस्तार का नियम, विभेदीकरण के विस्तार का नियम। देखो धीरे धीरे क्या हो, विभेद मतलब क्या होता है, भेद होना, अलग अलग होना। तो समाज जैसे कि पहले छोटा सा एक रूप में था, धीरे धीरे समाज बड़ा होता गया, समाज टूटता गया, अलग अलग समाज का अपना अपना अलग अलग सिस्टम, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के नए नए क्षेत्रों में वो विकसित करते चले गए। वो विकसित होते गए, उनमें एक अलग तरह के थॉट प्रोसेस, एक अलग तरह का समाज उठा, फिर उस समाज में भी टूटते गए। इससे मतलब क्या हुआ, विभेदीकरण होता गया और विस्तार होता गया, टूटे विस्तार हुआ। मान लिया उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दुनिया में अलग अलग और भी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम रह सकते हैं, जहाँ पर हमें और बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस चलता रहा, विभेदीकरण होता रहा, टूटते रहे और अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार होता गया। इस तरह से सामाजिक उद्विकास काम करता है। अगला है पृथक्करण का नियम, यानी कि पृथक्करण का भी अपना एक रूल होता है, अपना एक नियम होता है सामाजिक उद्विकास के माध्यम से। मान लिया अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, कुछ लोगों के विचार एक जैसे हुए, कुछ लोग चयन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग एक जैसा रहना चाहते हैं, कुछ लोग एक जैसा नहीं रहना चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ, पृथक्करण का नियम भी इसमें काम करता है, कुछ चयन की हाँ इनको ये हमारे समाज की विचारधारा से मिल नहीं रहे हैं, कुछ क्रांतिकारी टाइप लोग या कुछ अलग तरह के लोग जो उस समाज से मिल नहीं रहे उनको अलग करना, छांटना, ये भी सामाजिक उद्विकास का एक नियम है। अगला है आपका संरचनात्मक विभेदीकरण के साथ साथ प्रक्रियात्मक विभेदीकरण भी होता है, यानी कि इससे आप क्या समझ रहे हैं, सामाजिक उद्विकास होता है इसमें केवल संरचना अलग नहीं होती है कि इसने इसकी अलग संरचना थी, इसका अलग कल्चर था, वहां पर अलग कल्चर हो गया, केवल संरचना में ही बदलाव नहीं आता है बल्कि उनकी कार्य करने की क्षमता, उनकी कार्य करने की सोच, वो जो काम कर रहे हैं उनकी क्रियाओं में भी बदलाव आता है। हो सकता है जो एक समाज में एक तरह से रहा करते थे, जिनके काम था केवल कृषि करना, जैसे समाज में पहले क्या था, कृषि करना था, आज वहाँ पर बिजनेस आ गया, आज वहाँ पर अलग अलग तरीके के ड्रीम्स आ गए, सपने आ गए, नेटवर्किंग आ गया, इंटरनेट आ गया, अलग अलग तरीके से चीज़ें आ रही हैं ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो चीज़ें पहले एक जगह पर फिक्स थी वो अब अलग अलग तरीके से वेरिएबल कर रही है। केवल संरचना में बदलाव नहीं हुआ है कि पहले संरचना एक जैसी थी उसमें अलग अलग बदलाव हुआ, नहीं, उनकी कार्य करने की क्षमता, उनकी सोचने की क्षमता, उनकी समझने की क्षमता, उनकी हर एक चीज़ में विकास हुआ है, हर एक चीज़ में अलगाव हुआ है, विभेदीकरण हुआ है। अगला है आपका एकीकरण और विभेदीकरण के समाज में सामंजस्य, यानी कि एकीकरण हो रहा है, विभेदीकरण हो रहा है। कई जगहों पर देखोगे कई सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़ा राज्य का निर्माण कर देते हैं, ये क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। राज्य छोटे छोटे अलग अलग थे लेकिन वो क्या हो रहा है, एक हो रहे हैं। जैसे एक बड़ा सम्राट होता है, सम्राट के अंदर कई सारे राजा राज क्या करते हैं, जो उसको ला करके टैक्स दिया करते हैं, तो वो सारा पूरा का पूरा राज्य क्या हो रहा है, एक राजा के अंतर्गत आ रहा है, जो कि छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ था लेकिन उसमें किसी तरह की एकता के माध्यम से वो एक साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कई सारे जगहों पर आप देख लेंगे अलग अलग इलाकों के नेता MLAs मिल करके एक मुख्यमंत्री का निर्माण कर देते हैं, MLA MP मिलकर के एक प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं, जहां से मतलब सब अलग अलग है लेकिन उसको एक तरह से एक मत के द्वारा बांधा जा रहा है, एक विचारधारा के द्वारा जुड़ सकते हैं, या अलग अलग विचारधाराओं की वजह से एक में रहने के बावजूद भी वो टूट सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो वही कह रहा है कि एकीकरण और विभेदीकरण के समाज में सामंजस्य। तो इस तरह से समाज के उद्विकास के बारे में जो है स्पेंसर ने बताया कि जिस तरह से डार्विन के जैविक उद्विकास हुआ है उसी तरह से सामाजिक उद्विकास भी हुआ है। अब इन्होंने अपना ये सिद्धांत दे दिया एंड आपको पता है दुनिया में कोई भी सिद्धांत आए और उसका विरोध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, विरोध तो होना ही था, आलोचनाएं तो होनी ही थी। तो इनके इस विचार का भी, इनके इस सिद्धांत की भी कई सारे विद्वानों ने आलोचनाएं की है, कई सारे लोगों ने इस पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियां की हुई है, उसमें आओ मैं आपको दिखाता हूं। इसमें सबसे पहले टिप्पणी करते हैं कि स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का जो क्रम दिया है
वो आवश्यक नहीं है कि हर समाज अनिवार्य रूप से उसी तरह से गुजरे। जैसे कि स्पेंसर ने समाजों को विकास का सिद्धांत दिया है कि पहले सरल समाज रहेगा, उसके बाद संयुक्त समाज बनता चला जाएगा, उसके बाद द्विगुणी संयुक्त समाज बनेगा, फिर त्रिगुणी संयुक्त समाज बनेगा। तो कहने का अर्थ ये क्या कह रहे हैं आलोचना में कि स्पेंसर ने जो सामाजिक उद्विकास का जो क्रम दिया हुआ है शेड्यूल, जरूरी नहीं है कि हर समाज उसको उसी क्रम में उसी वे में फॉलो करें, इस तरह से क्रिटिसाइज किया है। दूसरा विद्वान कहते हैं इस पर कि उद्विकास के चरण भिन्न भिन्न समाजों में उनकी परिस्थितियों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। इन्होंने कहा है कि उद्विकास जो हुआ है, समाज में उद्विकास हुआ है, वो अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी समाजों में एक जैसा ही प्रोसेस हो। अलग अलग समाजों में उनकी स्थितियां किस तरह से है, क्या वो किसी किसी समाज में होता है बहुत ज्यादा टाइम तक एक तरह के रूप में रहते हैं। अभी आप उठा करके देख लोगे, चाइना को देख लो, आप उठा करके देख सकते हो नॉर्थ कोरिया को, जहां अभी भी तानाशाही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, जूद भी दुनिया इतना चेंज हो गया, फिर भी वहां पर तानाशाही है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम पैटर्न काम करे। तो सामाजिक उद्विकास के जो चरण है, ये अलग अलग समाजों में उनकी परिस्थितियों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा चीज है इस पर अपना विचार रखते हुए आइगर कान कहते हैं कि स्पेंसर ने एकीकरण में जो विभेदीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग तो किया है, लेकिन परिभाषित नहीं किया, जो कि अस्पष्ट नहीं हो पाता है। ये कह रहे हैं कि स्पेंसर ने एकीकरण और विभेदीकरण की तो बात की है कि हाँ, कुछ समाज एक जैसे मिल जाते हैं, कुछ समाज मिलने के बावजूद भी अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने ये बात तो रखी है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया, जिससे कि अस्पष्टता आ सके। मतलब कि कहना क्या चाहते हैं, किस तरह से एकीकरण, किस तरह से विभेदीकरण, इस तरह की अस्पष्टता हमें देखने को नहीं मिलती है। इसलिए उनके विचार से ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं कौन, आइगर कौन। इसी पर अपना विचार रखते हुए, यानी कि इसी की आलोचनात्मक करते हुए दुर्खीम कहते हैं कि स्पेंसर की इस बात से वो सहमत नहीं है कि जब समाज समरूपता की स्थिति में होता है तो वो अस्थिर होता है। स्पेंसर क्या कह रहे हैं, जब समाज एक समरूपता की स्थिति होती है, यानी कि सभी एक जैसा मानते हैं, तो वो अस्थिर रहता है, बहुत जल्दी उसको टूटना ही होता है। तो दुर्खीम कह रहे हैं ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। वे ऐसे समाजों के सामान्य विश्वासों और व्यवहारों के प्रचलन के कारण अधिक संगत और अस्थायी मानते हैं। दुर्खीम कहते हैं कोई समाज अगर एक जैसे विचारधारा के साथ रहे, एक जैसे मानसिकता के साथ रहे, एक साथ रहे, एकीकरण में रहे, तो उनकी स्थिरता तो बढ़नी चाहिए। उनके बीच विश्वास हो, जो व्यवहार हो, इनका प्रचलन अधिक जो है एक जैसा होगा, तो उनके अंदर टिकने की क्षमता, स्थिरता और अधिक बढ़नी चाहिए, ऐसा दुर्खीम का मानना है। तो इस तरह से कहते हुए इन्होंने स्पेंसर के जो ये विचार हैं उसकी उन्होंने अवहेलना की है। तो इस तरह से हमने समझा कि स्पेंसर का सिद्धांत क्या है, उनका जैविकीय उद्विकास का सिद्धांत क्या था, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत क्या था, किस तरह से उन्होंने जैविकीय सिद्धांत के माध्यम से इसको कनेक्ट किया है, उनके सिद्धांत कौन कौन से थे, उनके सिद्धांत की आलोचना करते हुए विद्वानों ने क्या क्या है। तो इस तरह से आपका चौथा चैप्टर था एम ए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर वन का चैप्टर नंबर 4। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए, प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वन चैनल इफ यू आर एम ए आपने सोशियोलॉजी ले रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाओ एक बार विजिट करो। इफ यू थिंक इट इज अवेलेबल तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर किया करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है पढ़ने को, उनकी यूनिवर्सिटीज पर नहीं पढ़ाई जा रही है, उनके महाविद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या कोई इस तरह से नहीं मिल रहा है उनको जो इस तरह से समझा सके कि उनको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। एंड आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज क्लियर हुआ होगा, तो जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।